हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी द एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंट बाय 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द इक्वेशन 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0 विथ x² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू 3, 2h इज इक्वल टू माइनस 4√3, दैट इज h इज इक्वल टू माइनस 2√3 एंड b इज इक्वल टू 3। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इन स्क्वायर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b मॉड कंप्लीट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इन स्क्वेअर रूट ऑफ h² ची वैल्यू आहे, ते h ची वैल्यू आहे माइनस 2√3 ब्रैकेट स्क्वेअर माइनस a ची वैल्यू 3 b ची 3 3×3 अपॉन 3+3 मॉड कंप्लीट। ते खाली कैलक्युलेशन करायचं, कैलक्युलेशन करून आपल्याला tan थीटा मिळतो। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू tan 30°, देअरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30°। नेक्स्ट एग्जांपल, 4x² प्लस 5xy प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। हे इक्वेशनसुद्धा कंपेयर करायचं कोणत्या इक्वेशनशी, x² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। आपल्याला a ची व्हॅल्यू मिळाली 4, 2h ची 5, दॅट इज h इज इक्वल टू 5/2 अँड b इज इक्वल टू 1। थीटा आहे, लेट थीटा बी द एक्यूट अँगल बिटवीन द लाईन्स, देअरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2×h² माइनस ab अपॉन a प्लस b मॉड कंप्लीट। व्हॅल्यू पुट करायचा, खाली कॅल्क्युलेशन करायचं, tan थीटाची व्हॅल्यू येते tan थीटा इज इक्वल टू 3/5, देअरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/5। नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, इफ द अँगल बिटवीन द लाईन्स रिप्रेझेंट बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द अँगल बिटवीन द लाईन्स 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0, देन शो दॅट 100×(h² माइनस ab ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू (a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर). सोल्यूशन बघा, द ॲक्यूट अँगल थीटा बिटवीन द लाईन्स ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 इज गिव्हन बाय tan theta इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2×√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b मॉड कंप्लीट इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयरिंग द इक्वेशन 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, वी गेट a ची व्हॅल्यू 2h इज इक्वल टू माइनस 5, दॅट इज h इज इक्वल टू माइनस 5/2 अँड b इज इक्वल टू 3। लेट अल्फा बी द एक्यूट अँगल बिटवीन द लाईन्स 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0, देअरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2×√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b मॉड कंप्लीट। व्हॅल्यू पुट करायच्या, इथे व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला tan अल्फा इथे मिळतो, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/5। क्वेश्चन 2, इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा देन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देअरफॉर मॉड ऑफ 2×√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b मॉड कंप्लीट इज इक्वल टू 1/5। देअरफॉर 4 इन ब्रॅकेट h² माइनस ab ब्रॅकेट कंप्लीट अपॉन a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/25। Therefore, 100×h² minus ab is equal to a plus b bracket square. This is the required condition. Next example, find the combined equation of lines passing through the origin, each of which making an angle of 30° with the line 3x plus 2y minus 11 is equal to 0. Solution baga. The slope of the line 3x plus 2y minus 11 is equal to 0 is m1. m1 is equal to slope ahe minus 3/2. Let m be the slope of one of the lines making an angle of 30° with the line 3x plus 2y minus 11 is equal to 0.
The angle between the lines having slopes M and M1 is 30 degree. Angle kiti hai 30 degree. Therefore, tan 30 degree is equal to mod of M minus M1 upon 1 plus M into M1 mod complete, where tan 30 degree is equal to 1 upon root 3. Therefore, 1 upon root 3 is equal to mod of M minus. M1 ची value put karayachi the minus 3 by 2 upon 1 plus M into minus 3 by 2 mod complete. Therefore, 1 upon root 3 is equal to mod of 2M plus 3 upon 2 minus 3M mod complete. On squaring both sides, we get 1 upon 3 is equal to 2M plus 3 bracket square upon 2 minus 3M bracket square. Therefore, 2 minus 3M bracket square is equal to 3 into 2M, 3 into in bracket 2M plus 3 bracket square. Calculation karayacha, calculation karun aplyala milel 4 minus 12M plus 9M square is equal to 3 M bracket multiplication kela 12M square plus 36M plus 27. Therefore, 3M square plus 48M plus 23 is equal to 0. This is the auxiliary equation of the two lines, and their joint equation is obtained by putting M is equal to Y upon X. Therefore, the joint equation of the two lines is 3 into Y upon X bracket square plus 48 into Y upon X bracket complete plus 23 is equal to 0. Therefore, 3y square upon x square plus 48y upon x plus 23 is equal to 0. Therefore, 3y square plus 48xy plus 23x square is equal to 0. Therefore, 23x square plus 48xy plus 3y square is equal to 0. This is the combined equation. This is the combined equation required.